हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज से हम बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का अपना शुरू कर देंगे। यानी हमारे पास कितना दिन है, आज कितने तारीख है, 12 तारीख, हमारे पास कम से कम 5 दिन, 5 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैराथन, मिनी मैराथन होने वाला है, और ये सारे के सारे आपका हैंड से लिखा हुआ, यानी हाथ से लिखा हुआ ही आपका नोट्स होगा। और हो सकता है इधर से उधर थोड़ी बहुत मात्रा इधर उधर होंगी, लेकिन डाटा आपका सारा का सारा सही होगा, सब कुछ सही होगा। और ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी की जा सकती है अगर आपको ज़रूरत होगी तो, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले तो हम आज देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा हमारा बिहार की बिहार का ज्योग्राफी। तो बिहार की ज्योग्राफी में हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और ये सेशन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर देखें, ठीक है ना, सबसे पहले बात करें हम तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 1040,99,452, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 1040, ये ऐसे तोड़ तोड़ के रखेंगे यार तो ये आपको याद रहेगा, 1040,99,452 करोड़ लगभग, यानी 10.41, अगर पॉइंट में दिया होगा तो आप 10.41 लिखेंगे, होगा आपका लिखा, या फिर अगर इस तरह लिखा होगा डाटा तो आप 1040,99,452 पे टिक करेंगे, ठीक है। यह देश की कुल कितनी है, देश की जनसंख्या का ये 8.6% है, ठीक है ना। बिहार का जो अकेले की जनसंख्या है वो देश के कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% बिहार में निवास करता है, और बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका पुरुष जनसंख्या इसमें कितनी है, तो जो पुरुष जनसंख्या है वो 54,248,157, यानी मैं इसलिए तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे ईजिली, ठीक है ना, ईजिली याद रहेगा तो ये ठीक रहेगा आपको। तो ये आपका 54 पॉइंट करके भी आप याद कर सकते हैं, 54.2 ऐसे रखेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। और जब पुरुष का 54,278 और 157 है तो आपके महिला का उससे कम होना है, ठीक है ना, तो पुरुषों से कम ही रहेगा महिला का, तो महिला का कितना हो जाएगा, 49,821,295, ठीक है। इस तरह आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे अगर तोड़ लेंगे इतना याद रहेगा 49 और 54 तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व तो कितना है बिहार का, तो ये 1006 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व तो जो बिहार का है वो 1000 वर्ग प्रति किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर है आपका जनसंख्या वृद्धि कितनी है बिहार की, ये 2001 से 2011 के बीच की बात है, ठीक है ना, 2011 के बीच का है ये डाटा। तो ये 25.42% जनसंख्या वृद्धि है कहाँ की, बिहार की। भारत की कुल जनसंख्या का मैंने बताया ये 8.6% यानी 60% है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918, ठीक है। अब ये इस समय बढ़ गया है 945 ऐसे कुछ हो गया है, 945 हो गया है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी ये डेटा नहीं आएगा, आपका ये आएगा, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार आएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 918 है लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात क्या होता है, पुरुषों में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है ना। फिर आपका शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात जो आपके 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो गर्ल शिशु है वो 935 है लिंगानुपात उनका, ठीक है ना, यानी 1000 लड़कों के में जो बच्चियां हैं वो 935 लिंगानुपात है, ठीक है ना। चलिए अगला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछेगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है महिलाओं में, बड़ों में, तो ये आपका गोपालगंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो बड़ों में है, ठीक है ना, 6 से ऊपर साल का है वो गोपालगंज का है, कितना है, 1021, ठीक है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे सिवान 988, उसके बाद आपका सारण है 954, ठीक है ना। फिर है आपका कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, मुंगेर में 876 है, उसके बाद भागलपुर में 880 है, फिर खगड़िया है 886, ठीक है ना। तो गोपालगंज सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम मुंगेर में लिंगानुपात है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो भी पटना आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है लीची फेमस है। तो पूर्वी चंपारण पटना नंबर वन पे है जनसंख्या के मामले में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद शिवहर में, उसके बाद अरवल में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अरवल आपका सबसे नवीनतम जिला है, ठीक है, नवीनतम जिला है, ठीक है ना। ये 2000 में बना था, ठीक है। अब बात करेंगे साक्षरता का, तो साक्षरता दर क्या है बिहार का, बिहार का साक्षरता दर टोटल अगर देखा जाए तो 61.80% है। अगर इस 61.80% में देखा जाए तो 71.2% पुरुषों की साक्षरता है और महिलाओं की उससे कम रहेगी, तो ये 51.5% महिलाओं की साक्षरता है, ठीक है ना। तो ये बिहार की साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, यानी कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पुरुष वाला जिला, वो रोहतास है। और महिलाओं का भी साक्षरता वाला, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास होगा। सिर्फ अंतर कहाँ पर आएगा कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है पुरुषों का, तो पुरुषों का पूछेगा तो पुरड़िया हो जाएगा, लेकिन जब पूछेगा कम महिलाओं महिला साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटर भी कर दिया है, ठीक है ना, हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें। अगला है आपका ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, तो गांव की जो साक्षरता दर है टोटल 59.78%, यानी लगभग 60% आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 59.78% ये आपका गांव का टोटल है, जिसमें पुरुष 69.67% है, जो कि लगभग 70% है, ठीक है ना, पुरुषों का, और महिलाओं का लगभग आपका 49% है। तो लगभग आपका 49% दिया होगा तो आप 49% लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 49% गांव के साक्षरता में महिलाओं का जो योगदान है वो 49% है, और पुरुषों का जो योगदान है साक्षरता में वो 69.67% है, ठीक है। फिर शहर की, तो शहरी साक्षरता दर कितनी है, 76.86। आप जानते हैं गांव से अगर देखा जाए तुलना में, तो शहर की आपका साक्षरता है वो ज़्यादा ही होगा। 76.86% आपकी पूरी टोटल शहर की जनसंख्या है बिहार के, जिसमें पुरुष की साक्षरता 82.56% है और महिला की साक्षरता 70.49% है, ठीक है ना। तो महिला की कमी रहने वाली है, 82.56% पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता 70.49%, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे डेटा। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा तो गांव में ही जनसंख्या मिलेगी आपको, 88.71%, ठीक है ना। और शहरी जनसंख्या इसमें माइनस 100 में से जब आप 88.71% माइनस कर देंगे तो आपको शहर की जनसंख्या भी मिल जाएगी, तो 11.29% शहर की जनसंख्या है और गांव की जनसंख्या 88.71% है, ठीक है ना। तो ये डेटा आप ध्यान में रखेंगे, ओके। अगला है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका शिवहर में है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर, उसके बाद पटना, फिर आपका दरभंगा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका जमुई हो जाएगा, जमुई में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, सोना का खदान है। और कैमूर में आपका बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और फिर आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं,
तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, जब ज़्यादा वन होगा तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होगा ही होगा, ठीक है। अगला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मैंने बताया, चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो, वो आपका रोहतास हो जाएगा, और उसके बाद आपका पटना हो जाएगा, फिर भोजपुर हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे आ रहा है आपका। फिर है आपका कम साक्षरता दर वाला वाला जिला, तो चाहे पुरुष का पूछे चाहे फीमेल का, यानी जब पुरुष और फीमेल दोनों अगर नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है कम साक्षरता दर वाला जिला, तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। फिर उसके बाद सीतामढ़ी, ठीक है, फिर आपका कटिहार हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं बिहार का भूगोल, यानी बिहार के भूगोल के बारे में तो पढ़े रहते, अब हम आते हैं बिहार की भौतिक स्थिति के बारे में। तो ये हमने बिहार बना रखा हुआ है, ठीक है ना, हालांकि इतना सुंदर नहीं बन पाया है, लेकिन हमें समझना है। देखिए, सबसे पहली तो बात है बिहार की स्थिति क्या है। तो बिहार की स्थिति अगर देखा जाए पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका पूर्व से पश्चिम की जो आपकी लंबाई है वो है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक बिहार है, और फिर आपका 24 डिग्री दक्षिण में 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब अच्छा, ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं ये हमारा ग्लोब है और बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाता है, ठीक है, और ये आपका देशांतर है। तो भारत आपका जब यहाँ पे है, ठीक है ना, यहीं पे भारत है, तो भारत के जितने भी जगह होंगे वो भी आपका पूर्वी देशांतर में ही होगा, उत्तरी पूर्वी देशांतर में भारत है, तो जो भी उसके जगह होंगे वो भी आपके उत्तरी पूर्वी देशांतर में ही होंगे, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा है। तो उत्तरी अक्षांश में हम हैं और किसमें, पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये ध्यान में रखेंगे, तो ये डेटा आप रखेंगे। और सबसे उत्तरी अगर जिला पूछा जाए तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला आपका गोवा गया हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो सबसे उत्तरी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और गया सबसे दक्षिणी है, जहाँ से आपका 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश लेके पश्चिमी चंपारण के 27 डिग्री 31 मिनट तक फैली हुई है। और सबसे पश्चिमी जो आपका बिहार का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है, कैमूर है, और सबसे पूर्वी जिला कटिहार है। अच्छा, यहाँ पे कटिहार नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे किशनगंज होना, अच्छा कटिहार ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कटिहार हो जाएगा, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो ये आपका कटिहार हो जाएगा, ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब है बिहार के क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 12वां स्थान है, यानी अगर राज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार में बिहार का जो स्थान है, बिहार का भारत में वो 12वां है। लेकिन अगर जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन के बाद, अगर जम्मू और कश्मीर के गठन के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, 12वां, अगर जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है कौन, बिहार, यानी 12वें नंबर पे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए, ठीक है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 13वां नंबर पे आएगा, ठीक है ना, सिर्फ राज्य का पूछेगा तो 12वें नंबर पे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला दिया जाए तो ये 13वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक है ना, जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, तो इसको जब शामिल करेंगे तो आप 13वें नंबर पर बिहार आ जाएगा। अगर लद्दाख शामिल नहीं करते हैं तो 12वें स्थान पर बिहार का स्थान आएगा, ठीक है। बात करें अगर हम, तो अब हम पढ़ते हैं झील, जलप्रपात और कुंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकायदा मैंने बहुत ही अच्छे से इसे तैयार किया है नोट्स में, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे इतना सारा पढ़ाना नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। और
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने लिखा है इसको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मात्राएं इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि लिखते वक्त, जल्दी जल्दी लिखते वक्त कुछ समझ मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये बिहार है आपका, ठीक है ना, बिहार है। बिहार में अगर झील जलप्रपात की बात करें तो सबसे पहले मैं इधर से लूँगी, ठीक है। हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, बेगूसराय देखने को मिल रहा है। बेगूसराय से एक क्वेश्चन बना था, तेल शोध कारखाना, तो ये आपका बेगूसराय में था। बरौनी, बरौनी तेल शोध कारखाना, ये पर कहाँ पर है, बेगूसराय में है। और बेगूसराय की अगर न्यूली डाटा कहा जाए, देखा जाए, तो अभी बेगूसराय बिहार का सबसे दूषित शहर हो चुका है, ठीक है ना। सबसे दूषित शहर यानी प्रदूषित शहर के लिस्ट में आ गया है बेगूसराय। तो बेगूसराय में आपका प्रथम रामसर आर्द्रभूमि है, ठीक है ना। पहला रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो बिहार भागलपुर आपका बेगूसराय में है। बेगूसराय का कौन सा है, तो वो कांवर ताल है। तो सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि कांवर ताल किस जिले में है, बेगूसराय में। कांवर ताल, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम रामसर साइट कौन सा है, तो वो कांवर ताल है, जो कि आपका बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। फिर आपका है गोगा बिल झील। गोगा बिल झील आपका कहाँ पर है, तो ये कटिहार में, ये भी ध्यान में रखेंगे। देखिए मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे इसमें हैं डेटा जो कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि इतना करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और जो इम्पॉर्टेंट है आपसे स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो कटिहार में आपका गोगा झील है, गोगा बिल झील है। कांवर ताल बेगूसराय में, जो कि बिहार का प्रथम रामसर साइट है। फिर आपका आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, मुंगेर। मुंगेर में आपका ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड, यानी जितने भी रामायण में हैं, देखिए रामायण में राम सीता लक्ष्मण तो आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन उनके साथ एक ऋषि मुनि भी रहते थे, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं इनको साथ में। मुंगेर में ये सभी मिलेंगे, ऋषि, राम, सीता, लक्ष्मण, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, आप याद कर लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे नवादा दिख रहा है आपको, तो आपसे पूछिएगा काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, वो आपका कहाँ पर है, नवादा में है, ठीक है ना। काकोलत जलप्रपात आपका कहाँ पर है, नवादा में है। गया में क्या है आपका, तपोवन है, ये एक क्या है, गर्म जल कुंड है। तो तपोवन से आपसे पूछेगा, गया में है, इसे याद कराने का ट्रिक अगर मैं बताऊं, तो याद करने का है कि गया में ही तपस्या करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है ना। तो तपोवन, आप जो भी इंसान तप करेगा गया में जाएगा, ठीक है ना। आप गया में जाएंगे, काफ़ी तपस्या करेंगे, ठीक है ना। तो तपोवन, तप यानी अब जानते हैं गर्म से भी होता है रिलेटेड, तो ये गर्म जल कुंड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखें तो रोहतास दिख रहा है। रोहतास और आपका बिहार का एकमात्र जगह है जहाँ पे पायराइट पाया जाता है। थोड़ा बहुत कैमूर में भी पाया जाता है, लेकिन अगर नंबर वन पे कहा जाए तो रोहतास में पाया जाता है। और 95% भारत का 95% जो पायराइट है, इकलौता बिहार में है पाया जाता, ठीक है ना। इकलौता बिहार में, बिहार में भी कहाँ पर, तो रोहतास में, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा है, तुतला प्रपात सासाराम में है, ठीक है। सासाराम कहाँ पे है, इसी को है, इसी में है, यानी रोहतास में ही है। तुतला प्रपात, मंझर कुंड और आपका धुआं कुंड जलप्रपात, ये भी सासाराम में है। और कशिश जलप्रपात, ये भी आपका कहाँ पर है, रोहतास में है। तो ये चार आप रोहतास से याद रखेंगे, तूतला प्रपात, मंजर कुंड, धुआं कुंड और कशिश जलप्रपात, ठीक है ना। अब बात करें, यहाँ पे कैमूर दिख रहा है, तो कैमूर का अगर मैं बात करूँ तो तलहर कुंड, करकटगढ़ जलप्रपात, ये दो आप कैमूर से याद रखेंगे, तलहर कुंड, करकटगढ़। और चूना पत्थर के लिए भी जाना जाता है कैमूर और रोहतास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नालंदा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। नालंदा में आपका
ब्रह्मा कुंड है, तो आप यहाँ पे ऋषि कुंड और ब्रह्मा कुंड में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, जो कि सबसे गर्म ब्रह्म कुंड है, ठीक है ना। सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो वो ब्रह्म कुंड है, जो कि नालंदा में है, या फिर राजगीर कह सकते हैं आप। सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा झील और पोंडू पोखर, ये आपका कहाँ पर है, राजगीर में है। तो ये आप राजगीर में याद रखेंगे सारा का सारा, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा झील और पोंडू पोखर, ये सभी आपके नालंदा के राजगीर में है, और ब्रह्मा बिहार का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वैशाली, ठीक है ना, वैशाली दिख रहा है। वैशाली में आपको एक रखना है, वैशाली में बैरल झील, तो बैरल झील से आपका बनता है वैशाली, व से वैशाली, व से बैरल, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम देखेंगे आगे, नोट करके आप देखेंगे, तो इसे नोट भी कर सकते हैं आप, नोट करते जाइएगा, हालांकि अब तो टाइम नहीं नोट करने का, तो सिर्फ देखिए आप, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर नोट कम, तो तेलहर कुंड आपका, ये आपका कहाँ पर है, तो ये कैमूर में है, ठीक है ना। कैमूर में कहाँ पर, दुर्गावती नदी के किनारे यानी समीप 80 मीटर पे है, ठीक है ना। तेलहर कुंड अभी आपने देखा, और करकटगढ़ जो है आपका, ये कैमूर के चैनपुर में है, उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट कैमूर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है ना। तो करकटगढ़ ये चैनपुर, कैमूर के चैनपुर में उत्तर प्रदेश की सीमा से ये लगता है, और तेलहर कुंड जो है आपका, ये दुर्गावती नदी के समीप स्थित है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार का, यानी आपका भारत ले लें चाहे बिहार, क्योंकि भारत में ही है, तो आप यहाँ पर बिहार भी कर सकते हैं, चाहे आप भारत भी कह सकते हैं। तो जो कोसी जल विद्युत परियोजना है वो बिहार और नेपाल का साझा में है, ठीक है ना, बिहार और नेपाल दोनों का है, ठीक है ना, दोनों की सीमा पर है। फिर आपका है सोन परियोजना, ये आपका सोन नदी पर स्थित है बिहार में, ठीक है ना। जो सोन परियोजना है, सोन नदी पर स्थित है बिहार में, जैसे कि यहाँ पे नदी की मात्रा जो है छोटी की मात्रा हो गई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होना चाहिए, तो इस तरह थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे मात्राएं, क्योंकि मैंने देखा था बाद में, तो अब लिखने की बात हो उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है ना। कटम काटे ज़्यादा करते तो गंदा लगता, इसलिए मैंने नहीं किया। कुल मिला के हमें डेटा सही मिलनी चाहिए, मात्राएं हमें जाके वहाँ पर हिंदी का टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। चलिए गंडक परियोजना आप देखेंगे, तो गंडक परियोजना ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, इन तीनों के बीच स्थित है, यानी इसका सीमा जो बनता है गंडक नदी का, वो बिहार और उत्तर प्रदेश यानी दो राज्य और एक देश से मिलता है, ठीक है ना, लगता है। ऊपर ऊपर उत्तर में देखा जाए नेपाल, फिर आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश और बिहार, इनसे लगता है गंडक परियोजना, ठीक है ना। बाण सागर परियोजना ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों से लगता है, तो बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से लगता है। गंडक परियोजना जो है, तो गंडक परियोजना से दो नहरें निकली गई हैं, ठीक है ना, दो नहरें निकाली गई हैं गंडक परियोजना से। पहला है आपका तिरहुत नहर, जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और दूसरा है सारण नहर, जो कि पूरब की ओर बहती है, ठीक है ना। तिरहुत नहर बिहार के पश्चिम में बहती है, और सारण नहर बिहार के पूरब में बहती है, और ये गंडक परियोजना से दो नहरें निकाली गई हैं। अब बात करेंगे तो सोन परियोजना, सोन परियोजना की बात करें, बिहार का प्रथम बृहत सिंचाई परियोजना सोन, सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर सोन नदी, सोन परियोजना की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है बिहार का ये। इसमें दो विद्युत जल विद्युत परियोजना बनाई गई, दो जल विद्युत परियोजना, पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र, ठीक है ना, पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र, जो कि 66 मेगावाट का है, और दूसरा है बरून जल विद्युत केंद्र, जो कि अच्छा सॉरी यहाँ पे डेहरी जल विद्युत जो है केंद्र, ये 6.4
6 मेगावाट का है और बारून जो जल विद्युत केंद्र है वो 3.3 मेगावाट का है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। और नहरें जो आपकी हैं कौन कौन सी हैं, तो ढाका नहर ये पूर्वी चंपारण में है आपका, तेऊर नहर भी पूर्वी चंपारण में है, कमला नहर ये आपका दरभंगा और मधुबनी में है, जमुना नहर ये आपका जहानाबाद में है, जैसे जमुना जैसे जहानाबाद ये ध्यान में रखेंगे, और सकरी नहर ये आपका गया और मुंगेर में है, ठीक है ना। तो सकरी नहर आपका दक्षिण में बहती है, जमुना नहर भी दक्षिण में है, कमला नहर आपका मध्य आप देखेंगे उत्तरी और मध्य, यानी आप उत्तर मान लीजिए गंगा के उत्तर में, और तेऊर और नहर और ढाका नहर ये भी आपका पूर्वी चंपारण में है, ठीक ना। तो सकरी नहर आप ध्यान में रखेंगे ये गया और मुंगेर में है, दक्षिण में है। अब हम बात करते हैं नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। तो नेपाल के कहाँ पर किस जगह में भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया, कब? तो 1959 से 1963 में किया गया था कोसी बैराज का निर्माण नेपाल के भीमनगर में, 1959 से 1963 तक किया गया था। अब बिहार का जो बाढ़ क्षेत्र है वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो बिहार में जो बाढ़ आता है आपका, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग कितना है, 68,800 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है जो कि बाढ़ से प्रभावित होता है, 68,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग ये कितना है, यानी आपका जो बिहार का पूरा क्षेत्रफल है पूरा टोटल वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका लगभग 73.06% बिहार का जो स्थान है वो बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है ना। 38 जिले हैं बिहार से, तो 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ ग्रसित है बिहार का, ठीक है ना, बाढ़ ग्रसित हैं, जिनमें 28 जिलों में से भी 15 जिले जो हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के प्रमुख खनिज, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बिहार के प्रमुख खनिज। सबसे पहले देखेंगे इधर, तो इधर से अगर देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोहतास देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रोहतास में आपको देखने को मिलेगा तो बॉक्साइड, पायराइट, मैंने बताया है, मैंने हाईलाइट भी किया है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे सिर्फ और सिर्फ अकेले 94% आपका मिलता है पायराइट, सीसा और जिंक। तो आप कुछ भी याद ना रखें, ये पायराइट ज़रूर याद रखेंगे। फिर आपका कैमूर और रोहतास में, तो कैमूर में आपका चूना पत्थर मिलता है और भभुआ यहाँ पे रोहतास में भी मिलता है, ठीक है ना। तो रोहतास और कैमूर में यानी इस इलाके में आपको चूना पत्थर मिलेगा। फिर आपका गया है, गया में फेल्स पार पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, फेल्स पार, मैग्नेटाइट और लौह अयस्क ये कहाँ पाया जाता है, गया में पाया जाता है। नवादा में आपका अभ्रक, ठीक है ना, नवादा में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, तो अभ्रक में नवादा अभ्रक जो है वो नवादा में पाया जाता है। तो ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पायराइट और चूना पत्थर, फेल्सपार, अभ्रक, नवादा से, जहानाबाद में आपका क्या है तो क्रोमाइट है, ठीक है ना, जहानाबाद से आप क्रोमाइट याद रखेंगे, और नालंदा में आपका क्या है तो क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट पूछिएगा तो नालंदा। अब यहाँ पे जमुई का देखें और बांका का, जमुई का देखेंगे तो सिर्फ जमुई में अगर मैं बात करूँ, यानी जमुई और बांका की बात करूँ दोनों को मिला के, तो जमुई और बांका में इस इलाके में सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क और क्वार्ट बालू सिलिका ये पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर जमुई की बात करें तो सोना ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, और बांका की बात करें जिंक और सीसा बांका में पाया जाता है, ठीक है ना, जिंक और सीसा ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मुंगेर है, और मुंगेर में आपका क्या पाया जाता है, तो मुंगेर में इधर आप देखेंगे तो मैंने एरो बना रखा है ये वाला, तो ये क्वार्ट्जाइट सिलिका बालू जो होता है वो भी पाया जाता है मुंगेर में, और यहाँ पे देखेंगे तो चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट भी पाया जाता है, ठीक है ना, एरो बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका भागलपुर है, और भागलपुर में आपका हेमेटाइट, ठीक है ना, हेमेटाइट, क्वार्ट्जाइट सिलिका बालू भी पाया जाता है, हेमेटाइट लौह अयस्क भी पाया जाता है, कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक में कोयला पाया जाता है, ठीक है ना,
राजमहल कोलफील्ड के लिए जाना जाता है और चाइना क्ले, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, कहाँ से, भागलपुर में, ठीक है ना। अब है आपका पुरड़िया, पुरड़िया में फायर क्ले पाया जाता है, पुरड़िया में क्या पाया। अब यहाँ पे नोट करके देखेंगे तो तेलर कुंड अभी अपने पढ़ा कैमूर में है, और कैमूर के कहाँ पर, ये तो दुर्गा नदी के समीप है, 80 मीटर में है, ठीक है न। तो ये तेलर कुंड जो आपका है ये कैमूर में है, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, दुर्गावती नदी पर के समीप। करकटगढ़ ये भी आपका कैमूर में है, लेकिन ये कैमूर के चैनपुर में उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट कैमूर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब परियोजना की बात करें, ठीक है, बिहार की नदी घाटी परियोजना, इसमें अगर देखें तो कोसी जल विद्युत परियोजना ये आपका किससे किससे है, तो कोसी नदी पर सबसे पहली बात तो ये कोसी नदी पर बना है कोसी जल विद्युत परियोजना, और ये आपका भारत और नेपाल के बीच साझा करता है, और भारत आपका किस में आता है, यानी भारत में ही आपका बिहार आता है, तो बिहार हो चाहे भारत लिखा हो और नेपाल, इनके बीच कोसी जल विद्युत परियोजना साझा होती है, ठीक है, इनकी सीमा पे है। अगला है आपका सोन परियोजना, सोन नदी पर स्थित है और ये आपका बिहार में है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना थोड़ा बहुत आपको जो है देखने को मिलेगा मात्राएं, ठीक है, मात्राएं मिस्टेक देखने को मिलेंगी, तो हालांकि सही नहीं किया मैंने, क्योंकि इस पे कटम काटी करेंगे तो फिर गंदा ही लगेगा, और इसलिए मैंने बता दिया कि आप समझ जाएंगे, बाकी सारा डाटा आपका सही है और कोई हमें वहाँ जाकर लिखना नहीं है पेपर में बैठ के, तो मात्राएं देखेंगे, तो कुल मिला के आपको लिखा लिखा आएगा, डेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रही हूँ मैं, ठीक है। सोन परियोजना सोन नदी पर स्थित है, ठीक है ना, सोन नदी पर स्थित है सोन परियोजना आपका। और फिर आपका बात करूँ मैं तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल से साझा करता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल से गंडक परियोजना साझा करता है। और बाढ़ सागर जो परियोजना है ये आपका बिहार मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से साझा करता है, ठीक है ना। गंडक परियोजना में आपका नेपाल आ जाता है, और बाढ़ सागर परियोजना में इसमें आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार आ जाता है, ठीक है ना। गंडक परियोजना में से दो नहरें निकाली गई हैं, अब वो दो नहरें कौन कौन सी हैं, पहली है तिरहुत नहर, दूसरी है सारण नहर। तिरहुत नहर को की जो धारा है यानी तिरहुत नहर ये बिहार के पश्चिम की ओर बहती है, और जो सारण नहर है ये बिहार के पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है सोन परियोजना, सोन परियोजना बिहार का पहला बृहत सिंचाई परियोजना है, जो कि सोन परियोजना का निर्माण आपका कहा जाए तो 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था, ठीक है, तो ये डेटा ध्यान में रखेंगे। ये बिहार का पहला बृहत सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना, 1874 ईस्वी में इसका डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर स्वर्ण परियोजना का निर्माण किया गया था। यहाँ से अगर मैं बात करूँ दो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं इस पर, कौन कौन सी, पहला है डेहरी जल विद्युत परियोजना केंद्र और दूसरा है बारून जल विद्युत परियोजना केंद्र। तो डेहरी जल विद्युत परियोजना केंद्र की अगर मैं बात करूं तो ये 6.6 मेगावाट का है, और बारून जल विद्युत परियोजना केंद्र की बात करूं मैं तो ये 3.3 मेगावाट का है, ठीक है, तो ये डेटा ध्यान में रखेंगे। फिर अन्य नहर है, ढाका नहर ये आपका पूर्वी चंपारण में है, तिरहुत नहर, तेहुर नहर ये भी आपका पूर्वी चंपारण में, कमला नहर आपका दरभंगा और मधुबनी में है, ठीक है ना, तो ये आपके तीनों गंगा नदी के उत्तर में है। गंगा नदी के दक्षिण में अगर मैं बात करूँ तो जमुना नहर आपका जहानाबाद में है, और सकरी नहर ये आपका गया और मुंगेर में है, ठीक है ना, तो गंगा के दक्षिण में आपका जमुना नहर और सकरी नहर पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है, और ये कब किया गया, तो ये 1959 से 1963 में किया गया, ठीक है ना, नेपाल के भीमनगर में, ठीक है ना, कोसी बैराज का जो निर्माण हुआ है नेपाल के भीमनगर में हुआ है, और 1959 से 1963 तक किया गया है, ठीक है ना, चार साल लगभग। बात करें अब बिहार में बाढ़ की,
कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग बिहार का वो है 68,800 वर्ग किलोमीटर पे जो जगह है बिहार का वो बाढ़ से प्रभावित है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार की संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र यानी कुल, तो इसका कितना है 73.06% जो बाढ़ से ग्रसित है बिहार का स्थान, ठीक ना। अब इसमें भी आपका बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ठीक है ना। लेकिन इन 28 में से भी सबसे ज़्यादा 15 जिले प्रभावित हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ये बिहार के खनिज हैं, प्रमुख खनिज, ठीक है ना, ये बिहार के खनिज हैं। अब बिहार के खनिज में बात करूँ, सबसे पहले देखेंगे इधर, तो आप देखेंगे इधर यहाँ पे बॉक्साइट, पैराइट, सीसा, जिंक, ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये रोहतास में पाया जाता है। और मैंने बताया कि भारत में इकलौता और बिहार में भी इकलौता 94% यानी 94% या 5% पैराइट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका बिहार में रोहतास में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पर, रोहतास में। फिर आप देखेंगे कैमूर, कैमूर में आपका चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर सिर्फ कैमूर में ही नहीं रोहतास में भी पाया जाता है, ठीक है, तो कैमूर रोहतास दोनों में चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कैमूर में पाया जाता है। फिर आपका आता है यहाँ पे फिल्डस्पार और मैग्नेटाइट लौह अयस्क, ये आपका गया में पाया जाता है, ठीक है ना, तो गया से आप ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिल्डस्पार है, तो फिल्डस्पार कहाँ पर है, गया में पाया जाता है। फिर जहानाबाद में आपका क्रोमाइट पाया जाता है, ये देखिए यहाँ से मैंने एरो बना रखा है, जहानाबाद में आपका क्रोमाइट पाया जाता है, और नवादा में आपका अभ्रक पाया जाता है, ठीक है ना। सोना आपका जमुई में पाया जाता है, तो यहाँ से जमुई से आप ये याद रखेंगे सोना पाया जाता है, बाकी आप यहाँ पे देखिए तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क और क्वार्ट्जाइट बालू सिलिका ये भी आपका पाया जाता है बांका और जमुई में, ठीक है ना, बांका में भी सोना पाया जाता है, और जो जिंक और सीसा है ये आपका बांका में पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्ट्जाइट नालंदा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इधर देखिए मुंगेर, तो मुंगेर में आपका चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट पाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे अगर मैं बताऊँ भागलपुर में, तो हेमेटाइट लौह अयस्क, कोयला, लक्ष्मी ब्लॉक, लक्ष्मीपुर ब्लॉक में कोयला पाया जाता है। राजमहल कोल्डफील्ड कहाँ पर है, तो ये भी आपका भागलपुर में, यानी आपका भागलपुर में है, और चाइना क्ले ये भी आपका भागलपुर में है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, मैंने वही डेटा रखा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी और भी हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की, तो ये आपका पटना के फतुहा में है, और ये यहाँ से आपके प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना ये आपका मधेपुरा में है, और जो उर्वरक उद्योग है यानी बरौनी, ये आपका बेगूसराय में है, ठीक है ना, कहाँ पे है, बेगूसराय बरौनी में। चलिए, तो ये आपका क्या था, बिहार का ज्योग्राफी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक स्थल है जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, तो ये मैं हिस्ट्री में आपको कवर कर दूंगी, ठीक है ना, जब हिस्ट्री का मैं लूंगी कल, आपका हिस्ट्री का रखूंगी मिनी मैराथन, ठीक है ना, तब तो ये मैं करवा दूंगी उसी में, और फिर आपका ये आपका अलग से करवा दूंगी, ठीक है ना, ये आपका मैं अलग से करवा दूंगी, वहाँ के जो समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएँ और रचनाएं हैं, वो एक वीडियो में बना दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा, बस रिवीजन करना है, ये पूरा का पूरा नोट्स है, ठीक है ना, अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले, ठीक है, यानी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने से पहले। तो कुल मिला के आपका कितने 40 मिनट में मैंने ये पूरा का पूरा नोट्स आपको पढ़ा दिया है, बिहार की पूरी हिस्ट्री मैंने 40 मिनट में कम्प्लीट करवा दी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपको बने बनाए नोट्स प्रोवाइड हो सके और आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा,
ये क्लास जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इसको लाइक मिलना ही चाहिए अगर आपको लगता है, ठीक है। और आगे की वीडियो के लिए, आगे की क्लास के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने साथियों से भी करवा देंगे, बाकी शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे भी चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।